डियर स्टूडेंट्स असलकुम अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश विद चांद भी प्रजेंट्स द थर्ड लेक्चर ऑन बटन बटन तो अभी हमने देखा कि दो मियाँ बीवी मिस्टर एंड मिसेज़ आर्थर ल्यूस के पास एक शख्स मिस्टर स्टीवर्ड एक आला लेके आया है और इस आले के साथ एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की पेशकश जुड़ी हुई है कि अगर कोई आले पर लगे हुए बटन को दबाएगा तो उसको पचास हज़ार डॉलर मिलेंगे लेकिन बटन दबाने से कोई ऐसा शख़्स मर जाएगा जिसे वो जानते नहीं होंगे आर्थर ने इस पेशकश को कबूल नहीं किया और उस शख्स मिस्टर सीअब से कहा कि वो भी चला जाए और अपना आला भी लेता जाए वो शख्स तो चला गया है लेकिन वो अपना कार्ड छोड़ कर गया जिसे आर्थर ने दो टुकड़े करके टेबल की तरफ उछाल दिया फेंक दिया अब स्टूवर चला गया है और दोनों मिया बीवी पीछे बैठे हैं नॉर्मा वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द सोफ़ा नॉर्मा अभी तक सोफे पर बैठी थी वट डू यू थिंक तुम्हारे ख्याल में इट वॉज़ ये क्या था तुम्हारे ख्याल में ये क्या था ये पेशकश क्या थी शी आस्ड उसने पूछा आई डोंट केयर टू नो मुझे जानने की कोई परवाह नहीं मुझे जानने की कोई ज़रूरत नहीं हि आसर्ड उसने जवाब दिया शी ट्राई टू स्माइल नॉर्मा ने मुस्कुराना मुस्कुराने की कोशिश की बट कुडेंट लेकिन मुस्कुरा ना पाई आर एंट यू क्यूरियस एट ऑल क्यूरियस मुतजस किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए परेशान रहने को तजस कहते हैं आर एंट यू क्यूरियस एट ऑल क्या तुम बिल्कुल भी मुतजस नहीं नो no. नहीं ही शुक हिज़ हेड उसने आर्थर ने नफ़ी में अपना सर हिलाया आफ्टर आर्थर हैड रिटर्न टू हिज़ बुक जब आर्थर वापस अपनी किताब की तरफ चला गया यानी कि जब आर्थर दोबारा मुताले में मसरूफ़ हो गया नॉर्मा वन पैक टू द किचन नॉर्मा बावर्ची खाने में वापस गई एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिश और उसने बर्तन धो डाले वाई वोंट यू टॉक अबाउट इट तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते नॉर्मा आस्क्ड नॉर्मा ने पूछा आर्थर्स आइज शिफ्टेड आर्थर ने अपनी नजरें फेरी एज ही ब्रश्ड हिस्टीथ दांतों को ब्रश करते हुए उसने अपनी नजरें घुमाईं, अपनी नज़रें ही लुक्ड उसने देखा एट हर रिफ्लेक्शन नॉर्मा के अक्स को इन द बाथरूम मिरर उसने गसल खाने के आईने में बाथरूम के आईने में नॉर्मा के अक्स को देखा नॉर्मा ने कहा डजेंटिड इट इंट्रीग यू इंट्रीग का मतलब है इंटरेस्ट दिलचस्पी पैदा करना अट्रैक्ट अगर कोई चीज़ आप में दिलचस्पी पैदा कर रही है अपने लिए तो वो आपको इंट्रीग कर रही है डजेंट इट इंट्रीग यू क्या ये आला तुम में दिलचस्पी पैदा नहीं करता इट ऑफेंड्स मी मुझे तो इस पर गुस्सा आ रहा है आर्थर सेड आर्थर ने कहा नॉर्मा ने कहा आई नो मुझे इल्म है बट लेकिन नॉर्मा रोल्ड नॉर्मा ने घुमाया अनदर कर्ल कर्लर इन हर हेयर कर्ल घुंघरालेपन पन को कहते हैं बालों के और बालों में मसनू तौर पर घुंघरालापन पन पैदा करने के लिए गोल सी पिन नुमा चीज़ होती है प्लास्टिक या मेटल की वो बालों में घुमाते हैं तो इसे उर्दू में भी हम कर्लर ही कहेंगे नॉर्मा ने अपने बालों में एक और कर्लर घुमाया और अपने सवाल को दोबारा दोहराया थोड़ी सी तब्दीली के साथ कि डजेंट इट इंट्रीग यू टू क्या यह बटन तुम में भी दिलचस्पी पैदा नहीं कर रहा कि मुझ में तो नहीं कर रहा क्या तुम्हें भी नहीं कर रहा लेकिन आर्थर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया तो नॉर्मा ने एक और सवाल दाग दिया यू थिंक क्या तुम्हारे ख्याल में इट्स अ प्रैक्टिकल जोक क्या तुम्हारे ख्याल में ये कोई अमली मजाक है शी आस्ट उसने पूछा एज देंट इन टू द रूम तो जब वो कमरे में जा रहे थे जब वो कमरे में गए तो उसने पूछा इफ इट इज़ आर्थर ने कहा इफ इट इज़ अगर ऐसा है इट इज़ अ सिक वन तो ये बहुत ख़राब ये बहुत बेहुदा मज़ाक है नॉर्मा सेट ऑन हर चेयर नॉर्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गई एंड सेड आफ्टर अ मोमेंट और पल भर के बाद उसने कहा मे बी हो सकता है इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च साइकोलॉजिकल नफसियाती रिसर्च तहक़ीक हो सकता है ये किसी किस्म की कोई नफसियाती तहकीक हो आर्थर श्रग्ड शरग कंधे उचकाना किसी बात से बेजारी का इज़हार करने के लिए यह इज़हार करने के लिए कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं आप कंधे उचकाते हैं आर्थर ने कंधे उचकाए और कहा कु हो सकता है नॉर्मा ने कहा मे बी मे बी शायद सम eccentric millionaire is doing इज़ Eccentric जो आम लोगों से जिसका रवैया हट के हो खबती, खिसका हुआ और मिलियनेयर मिलियन million, दस लाख को कहते हैं अगर किसी शख्स के पास दस लाख से ज़्यादा दौलत है तो वो मिलियनेयर कहलाएगा हम इसे लखपति भी कह सकते हैं करोड़पति भी कह सकते हैं मे बी सम एक्सेंट्रिक मिलियनियर इज डूइंग हो सकता है कोई खबती लखपति कोई खबती सेठ ऐसा कर रहा हो आर्थर ने कहा मे बी हो सकता है नॉर्मा ने कहा वुडन्ट यू लाइक टू नो क्या तुम जानना नहीं चाहते आर्थर शुक इज हैड आर्थर ने नफ़ी में अपना सर हिलाया तो नॉर्मा ने पूछा वाए क्यों तो आर्थर ने कहा बिकॉज क्योंकि इट्स इमोरल इमोरल गैर इखलाकी क्योंकि ये गैर अखला बात है ही He हर उसने नॉर्मा को बताया नॉर्मा स्लिड स्लाइड की दूसरी फॉर्म होती है स्लिड बे तरीके से हरकत करने को स्लाइड कहा जाता है घुस जाना दुबक जाना बीनीथ द कवर्स लिहाफ कोल को, को कवर्स कहा जाता है तो नॉर्मा लिहाफ में दुबक गई लिहाफ में घुस गई और उसने कहा वेल well, अच्छा आई थिंक मेरे ख्याल में इट्स इंट्रीगिंग ये बड़ी दिलचस्प बात है शी सेड उसने कहा आर्थर टर्न्ड ऑफ द लैम्प आर्थर ने लैंप बुझाया गुड नाइट शब बखैर ही सेड उसने कहा नॉर्मा क्लोज द राइज नॉर्मा ने अपनी आँखें बंद कीं और हमें अभी तक नॉर्मा की फितरत के बारे में अंदाज़ा हो गया है तो जो ही उसने अपनी आँखें बंद कीं, तो उसको क्या नज़र आया होगा फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स पचास हज़ार डॉलर शी थॉट उसने सोचा इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट फ्लैट से निकलते हुए नॉर्मा सौ द कार्ड हाफ्स हाफ आधा हिस्सा और हाफ की जमा हाफ नॉर्मा सौ द कार्ड हाफ्स नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़ों को देखा ऑन द टेबल मेज पर सुबह के वक्त फ्लैट से निकलते हुए नॉर्मा ने कार्ड के टुकड़ों को मेज़ पर पड़ा देखा इम्पलसिवली इम्पलसिवली गैर इरादी तौर पर कोई काम करने का हमारा इरादा न हो लेकिन एन वक्त पर हमारा इरादा बन जाए अचानक तो हम उसे इम्पलसिवली कहते हैं शी ड्रॉप्ड देम उसने इन टुकड़ों को डाल दिया इन टू हर पर्स अपने पर्स में गैर इरादी तौर पर उसने इन टुकड़ों को अपने पर्स में डाल दिया शिलॉक द फ्रंट डोर उसने घर के सदर दरवाजे को घर के मरकजी दरवाजे को ताला लगाया एंड जॉइंड आर्थर और आर्थर से जा मिली इन द एलिवेटर जिसे हम लिफ्ट कहते हैं उसे अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर कहा जाता है और लिफ्ट में आर्थर से जा मिली नॉर्मा किसी दफ्तर में काम करती है और जब वो दफ्तर में थी तो वाइल शी वॉज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक ब्रेक वक्फा कॉफ़ी के वक्फे के दौरान शी टुक द कार्ड हाफ्स उसने कार्ड के टुकड़े निकाले फ्राम हर पर्स अपने पर्स से उसने अपने पर्स से कार्ड के टुकड़े निकाले एंड हेल्ड द टॉन एजज टुगेदर टॉन है टेयर की तीसरी फार्म टॉन फटे हुए टॉन एजिस फटे हुए सिरे कॉफी के वक्फे के दौरान उसने कार्ड के टुकड़ों को अपने पर्स से निकाला और इन टुकड़ों के फटे हुए सिरों को आपस में मिलाया तो क्या देखा कि ओनली मिस्टर स्टीवर्ड्स नेम एंड टेलीफोन नंबर सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ड का नाम और टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड कार्ड पर सिर्फ मिस्टर स्टूबर्ड का नाम और टेलीफोन नंबर तहरीर थे दर्ज थे आफ्टर लंच दोपहर के खाने के बाद यह भी ऑफिस में ही है आफ्टर लंच दोपहर के खाने के बाद शिटुक द कार्ड हाफ्स फ्राम हर पर्स अगेन उसने कार्ड के टुकड़ों को अपने पर्स से एक बार फिर निकाला एंड स्कॉच और स्कॉच टेप की मदद से द एडजस्ट टुगेदर और स्कॉच टेप की मदद से इन हिस्सों को इन सिरों को आपस में मिला दिया आपस में जोड़ दिया वाई एम आई डूइंग दिस मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ शी थाट उसने सोचा यानी कि लाशोरी तौर पर वो उसने कार्ड को जोड़ दिया जस्ट बिफोर फाइव पाँच बजने से ज़रा पहले

बट रेस्ट्रेंड हर सेल्फ लेकिन उसने खुद को बाज रखा ऑलमोस्ट का मतलब होता है नियरली कोई काम जब हम बस कर ही चुके होते हैं लेकिन हम वो काम नहीं कर पाते नॉर्मा ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मा ने तकरीबन फ़ोन रख दिया था लेकिन उसने खुद को बाज रखा Restrain बाज रखना रोकना स्टॉप cleared हर थ्रोट उसने अपना गला साफ किया, जैसे खास कर गला साफ करते हैं दिस इज मिसेज लिस मैं मिसिज ल्यूस बात कर रही हूँ शी सेड उसने कहा यस मिसज लियस जी मिसज लियस मिस्टर स्टीवर्ड साउंडेड प्लीज़ साउंड का मतलब भी लगना आवाज़ से कोई ख़ास तासुर महसूस होना आवाज़ से मिस मिस्टर स्टीवर्ड खुश दिखाई दिए प्लीज़ हैप्पी खुश आई एम क्यूरियस नॉर्मा ने कहा मैं मुतजस हूँ दैट्स नेचुरल ये बिल्कुल फितरी अमर है ये कुदरती बात है मिस्टर स्टीवर्ड सेड स्टीवर्ड साहब ने कहा तो नॉर्मा ने कहा नट मामला ये नहीं दैट आई बिलीव कि मुझे यकीन आ गया है वर्ड एक भी लफ्ज़ पर आफ वट यू टोल्डस जो आपने हमें बताया मामला ये नहीं कि मुझे आपकी किसी भी बात पर यकीन आ गया हो कि अगर मैं आपको कॉल कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे यकीन आ गया ओह इट्स क्वाइट ऑथेंटिक ऑथेंटिक मुस्तनद हकीकी असली ओह यह तो बिल्कुल मुस्तनद बात है मिस्टर स्ट्यूवर्ड आंसर्ड स्ट साहब ने जवाब दिया वेल अच्छा वट एवर जो भी नॉर्मा स्वालोड स्वालो कोई चीज़ निगलना और खौफ के आलम में इंसान अपनी थूक निगलता है उसको भी सवालो कहते हैं खौफ का इजहार होता है इससे नॉर्मा स्वालोड नॉर्मा ने अपनी थूक निगली वैन यू सेड जब तुमने कहा था सम वन इन द वर्ल्ड के दुनिया में कोई शख्स वो डाई मर जाएगा वट डिट यू मीन तो इससे तुम्हारी मुराद क्या थी तो स्टूब ने कहा एग्जैक्टली exactly दैट बिल्कुल यही मुराद था answered, उसने कहा इट कुड बी एनी वन मरने वाला कोई भी हो सकता है ऑल वी गारंटी गारंटी जमानत हम सिर्फ इस बात की जमानत देते हैं दैट यू डोंट नो दम कि तुम उन लोगों को यानी कि मरने वाले को नहीं जानती होगी एंड कोर्स और यकीन यू वुडेंट हैव टू वॉच देम डाई तुम्हें उन्हें मरते हुए भी नहीं देखना पड़ेगा फॉर फिफ्टी थाउजेंड डॉलर पचास हजार डॉलर के लिए नॉर्मा सेड नॉर्मा ने कहा तो स्टीवर्ड ने कहा दैट इज करेक्ट बिल्कुल दुरुस्त बात कही शी मेड स्कॉफिंग साउंड स्कॉफ किसी का मजाक उड़ाना जिसको हम तमस्खर कहते हैं उसने तमस्खराना आवाज में कहा दैट्स क्रेजी ये तो बेवकूफाना बात है तो बच्चों आज के लिए इतना ही कल इन सिलसिले को जारी रखेंगे कल तक के लिए इजाजत खुदा हाफिज।